स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एसटीडी ओनली में। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश जूनियर इंजीनियर यानी कि जेई की रिक्रूटमेंट 2024 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसमें दोस्तों कुल पद देखा जाए तो 4016 पद हैं, जिसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन में पॉलिटेक्निक और बीटेक इन दोनों में से एक चीज़ होना चाहिए, तभी आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए बाकी क्राइटेरिया क्या है दोस्तों, एज लिमिट क्या है, इसके फॉर्म कब आएंगे, ऑनलाइन फॉर्म लास्ट डेट कब है, इसकी फीस क्या रखी है, वो हम संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि इस तरह की गवर्नमेंट एग्जाम की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सेलेक्शन कमीशन यूपीएसएससी जूनियर इंजीनियर जेई सिविल रिक्रूटमेंट 2024 का एग्जाम जो है वो, इसके बारे में शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सेलेक्शन कमीशन यूपीएसएससी उत्तर प्रदेश जूनियर इंजीनियर जेई सिविल सी एडवर्टाइज नंबर ये 2024 रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। दोज कैंडिडेट्स हु आर इंटरेस्टेड इन दिस यूपीएसएससी जूनियर इंजीनियर सिविल वैकेंसी 2024 कैन अप्लाई ऑनलाइन 07 यानी कि 7 मई 2024 से 7 जून 2024 तक इसकी डेट रखी गई है। अभी इसका फॉर्म नहीं आया दोस्तों, 7 मई को इसका फॉर्म मतलब ऑनलाइन फॉर्म आ जाएगा। और दोस्तों, और बाकी जानकारी के लिए रीड द नोटिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट एलिजिबिलिटी क्या है, पोस्ट इन्फॉर्मेशन, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी कितनी है, पे स्केल क्या है, ये संपूर्ण जानकारी हम आपको बताएंगे। तो आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो इसके लिए दोस्तों आइए सबसे पहले देखते हैं इसके लिए इंपॉर्टेंट डेट क्या रखी गई है। तो डेट तो हमने बता ही दिया है, एप्लीकेशन जो स्टार्टिंग डेट है वो है 7/5/2024 यानी कि 7 मई 2024 से एप्लीकेशन की डेट स्टार्ट हो जाएगी। और लास्ट डेट जो इसमें रखी गई है रजिस्ट्रेशन की, वो 7/6/2024 यानी कि 7 जून 2024 को रखी गई है। फीस पेमेंट की भी जो लास्ट डेट है वो 7/6/2024 तक रखी गई है। और करेक्शन की जो डेट रखी गई है वो 14/6/2024 तक रखी गई है। और दोस्तों, एग्जाम डेट अभी नहीं आया है, अभी तो फॉर्म ही नहीं आया, तो एग्जाम डेट कैसे आएगी, तो जैसे ही आता है हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। उसके बाद दोस्तों अगला है अप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है इसके लिए। तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 25 रुपये और SC ST वालों के लिए भी 25 रुपये और PH वालों के लिए भी 25 रुपये ही रखी गई है। और दोस्तों, एग्जामिनेशन फीस कैसे पेमेंट करेंगे, तो आप लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI का मतलब कि फीस मोड वो चालान द्वारा कर सकते हैं, या फिर आप एग्जाम फीस ई चालान द्वारा भी कर सकते हैं। उसके बाद एज लिमिट जो इसमें रखी गई है वो 1/7/2024 तक आपकी मिनिमम जो एज है वो 18 से 21 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है वो 40 ईयर होनी चाहिए। और इसमें एज रिलैक्सेशन जो एक्स्ट्रा एज पर UPSSC UP एडवर्टाइजमेंट नंबर 08 एग्जाम 2024 एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड टू जूनियर इंजीनियर सिविल में एग्जाम का एज रिलैक्सेशन है दोस्तों, वो OBC वालों के लिए 3 साल और ST SC वालों के लिए 5 साल मिलता है, वो दिया जाएगा। और वैकेंसी डिटेल्स टोटल दोस्तों देख लेते हैं। तो इसमें टोटल 4016 पद हैं। और दोस्तों, इसके लिए पोस्ट नेम क्या है, तो पोस्ट नेम है जूनियर इंजीनियर जेई सिविल, टोटल पोस्ट 4016 पद हैं। और UPSSC इंजीनियर सिविल एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है, तो UPSSC PET 2023 स्कोर कार्ड आपका होना चाहिए और साथ ही डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन इंडिया, आपके पास डिप्लोमा सिविल से होना चाहिए। और बाकी फुल डिटेल तो हम आपको नोटिफिकेशन का अभी बता रहे हैं। उसके बाद दोस्तों, आपके पास जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी है वो देख लेते हैं। तो यहाँ जूनियर इंजीनियर जो कि सिविल जनरल वालों के लिए 1522 पद हैं, EWS के लिए 315 पद, OBC के लिए 1362 पद, SC के लिए 779 पद और ST के लिए 38 पद, टोटल 4016 पद हैं। और दोस्तों, इसके लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि हम आपको यूट्यूब के अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, वहीं से आप लोग जाके मेंस एग्जाम की अप्लाई मतलब मेंस एग्जाम का जो फॉर्म आएगा उसको अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट दोस्तों ये है upssc.gov.in पर जाके आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। मई में फॉर्म आएगा तो तब तक हम आपको फिर से एक बार इन्फॉर्म कर देंगे। तो दोस्तों, इसके लिए जो बाकी अर्हता यानी कि क्वालिफिकेशन रखी गई है, क्वालिफिकेशन इसके लिए क्या क्या रखी गई है वो आइए देख लेते हैं। इसके लिए दोस्तों जो विभाग का नाम है, पद नाम है और अर्हताएँ यानी कि योग्यता जो है वो रखी गई है इसमें देखा जाए तो वो क्या क्या रखी गई है, तो इसके लिए देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण में ये पोस्ट जो है वो जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए है। इसमें अनिवार्य अर्हता जो है उत्तर प्रदेश जल निगम अधीनस्थ अभियंत्रण सेवा नियमावली 1979 संशोधित, ये तो आपका डिटेल है इसमें। सबसे पहले का नंबर पर जो है वो दिया गया, शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। फिर खा नंबर है राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा जारी किया गया पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में 3 साल का कोर्स का डिप्लोमा हो, ये भी चल जाएगा।
ग नंबर पर है अनर्हताएं जिन्हें राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा मध संख्या का एवं ख में उल्लेखित डिप्लोमा के बराबर माना जाए, वो भी अगर आपके पास है तो मान्य होगा। उसके बाद घ नंबर पर है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा सिविल अभियंत्रण में प्रदत्त राष्ट्रीय प्रमाण पत्र हो तो आपके पास तो ये चल सकता है। उसके अलावा दोस्तों नोट वन में जो लिखा है समकक्षता के विषय में मुख्य अभियंता R22 उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण लखनऊ के पत्र क्रमांक ये तो ये आप लोग देख लीजिएगा, काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा इसलिए इतना डिटेल हम नहीं बता रहे हैं। जो मेन मेन चीज़ है क्वालिफिकेशन की वो हम आपको बता दे रहे हैं। उसके बाद दोस्तों साथ में प्रादेशिक सेवा में 2 वर्ष का न्यूनतम अवधि तक की सेवा की हो, यानी कि एक्सपीरियंस आपका 2 वर्ष का चाहिए, और साथ ही उसने राष्ट्रीय कैडेट कोर का भी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो तभी आप इसके लिए तभी आप लोग इसके लिए मान्य होंगे, पात्रता आपकी मान्य होगी। उसके बाद जो अगली है दोस्तों पोस्ट वो उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड के लिए है। यह पोस्ट जो है वो अवर अभियंता सिविल सामान्य चयन विशेष चयन है। इसमें अनिवार्य अर्हता शैक्षिक प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट सेवा नियमावली के अनुसार दोस्तों इसमें आपको आवश्यकता तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग सिविल की शैक्षिक अर्हता रखता हो। इसमें केवल आपका डिप्लोमा होना चाहिए सिविल में तो आप लोग इसको कर सकते हैं अप्लाई आप लोग, और उसके अलावा इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। फिर अगली है उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड, तो ये भी अवर अभियंता सिविल का है। इसके लिए अनिवार्य अर्हता जो रखी गई है ये आपके पास अवर अभियंता सिविल के बाद अभ्यर्थी के पास सिविल अभियंत्रण में डिप्लोमा होना, इसमें भी डिप्लोमा ही हो लेकिन सब में सिविल का डिप्लोमा होना चाहिए दोस्तों, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं मेंस के लिए। उसके बाद दोस्तों फिर है यूपी प्रोजेक्ट्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसमें जो पोस्ट रखी गई वो अवर अभियंता सिविल सामान्य चयन विशेष चयन। इसके लिए जो अभी मतलब कि क्वालिफिकेशन रखी गई है वो है भारत में बीच द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय संस्था द्वारा सिविल अभियंत्रण में डिप्लोमा, या साथ में आपके पास उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त सिविल अभियंत्रण में डिप्लोमा हो, या फिर अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा सिविल अभियंत्रण में प्रदत्त राष्ट्रीय प्रमाण पत्र हो, या फिर प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा सिविल या ग्रामीण अभियंत्रण में 3 वर्ष का डिप्लोमा हो तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों इसके साथ आपके पास प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि सेवा हो, तो राष्ट्रीय कैडर जो कोर का भी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो तब भी, और प्रशिक्षणार्थी के रूप में 1 वर्ष का प्रशिक्षण सफलतापूर्ण किया हो तो इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये इसके लिए संपूर्ण अर्हताएं हैं दोस्तों, ये आप लोग देख लीजिएगा। बाकी नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल STD ओनली पर मिल जाएगा, वहाँ जाके वह टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ ये आपको संपूर्ण नोटिफिकेशन जो है वो आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। अगर हम बताने लगे तो ये नोटिफिकेशन काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।